अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है और मीडिया हलचल लगातार एक एक विधानसभा सीट के समीकरण आपके सामने पेश कर रहा है जहां उपचुनाव होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ विधानसभा सीट की, जहां मौजूदा वक्त में उपचुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। अधिकारी सक्रिय हैं, पार्टियां भी सक्रिय हैं और कार्यकर्ताओं को सख्ती के साथ सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। भले ही तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन प्रतापगढ़ में चुनावी दस्तक साफ दिखाई दे रही है, चुनावों की आहट साफ सुनाई दे रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रतापगढ़ विधानसभा के समीकरण क्या कहते हैं। प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा संख्या 248 है। प्रतापगढ़ सदर साल 2012 के आंकड़ों के मुताबिक यहां कुल मतदाताओं की संख्या 307,047 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 166,157 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 140,881 है। ये आंकड़ा 2017 विधानसभा चुनाव में बढ़ा हुआ दर्ज किया गया था। 2017 में यहां बीजेपी के संगम लाल गुप्ता को 80,828 वोट मिले और उन्हें जीत मिली। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, जिन्हें 46,274 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के अशोक त्रिपाठी थे, उन्हें 41,750 वोट मिले थे। प्रतापगढ़ में इस बार भी टक्कर सपा और बीजेपी में ही देखने को मिल रही है। बीएसपी यहां से टक्कर देने की लगातार कोशिश कर रही है। पहले उम्मीदवार का ऐलान कर बीएसपी ने समीकरणों को मोड़ना चाहा है। बीएसपी ने उम्मीदवार के तौर पर रणजीत सिंह पटेल को प्रतापगढ़ सदर से मैदान में उतारा है। रणजीत सिंह पटेल के पक्ष में मतदाता ठीक वैसा ही सोचते हैं जैसा कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में यहां कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। बीजेपी और सपा के बारे में सबकी राय एक जैसी है। अगर 10 आदमियों से बात की जाए तो मुकाबला 5-5 का रहता है सपा और बीजेपी के बीच में। समीकरणों की माने तो मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान करने के बाद प्रतापगढ़ में कौन सी पार्टी कैंपेनिंग में बेहतर माहौल बनाती है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसी पार्टी को जीत का तोहफा मिलेगा। आने वाले दिनों में समीकरण क्या बनते हैं, हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।